सो हे गाइस, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कुछ दिन पहले ही सैमसंग ने अपने ए सीरीज के अंदर सैमसंग गैलेक्सी A42 स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो कि ग्लोबली लॉन्च हुआ था। इंडिया के अंदर ये स्मार्टफोन नहीं देखने को मिला था, बट अब यही डिवाइस रीब्रांड करके सैमसंग इंडिया के अंदर सैमसंग के एम सीरीज के अंदर लेकर आने वाली है, जो कि होगा सैमसंग गैलेक्सी M42 डिवाइस। यानी ए और एम को चेंज करके स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी इंडिया के अंदर ये डिवाइस आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिलेगा। तो ऐसे में एम सीरीज के अंदर पहला डिवाइस होगा जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ में आने वाला है, जहां पर इस डिवाइस को लेकर ऑल ओवर सारे स्पेसिफिकेशन सामने निकल कर आ चुके हैं अलोंग विद प्राइस। और 28th ऑफ अप्रैल को इंडिया के अंदर ये डिवाइस देखने को मिल जाएगा। अमेजन पर लैंडिंग पेज भी सामने निकल कर आ चुका है, तो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन सामने है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी 42 5G डिवाइस के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। और फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इस डिवाइस को बाय करना चाहिए या फिर आपको इस डिवाइस को स्किप करना चाहिए। सब कुछ जानेंगे, उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। सो हे गाइस, मैं हूं सीओ मोर, आप देख रहे हो टेक हेल्प पर सीओ यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले आप सीओ स्टार्ट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस फोन की परफॉर्मेंस को लेकर, प्रोसेसर को लेकर, जो कि इस फोन का मेन हाईलाइटिंग पॉइंट रहने वाला है। और भाई सैमसंग इसी पर फोकस करने वाली है, जो कि होगा इस फोन का 5G कनेक्टिविटी। तो इस फोन के साथ में आपको 5G कनेक्टिविटी मिलेगा। और भाई यहां पर जो चिपसेट यूज किया जाने वाला है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G 5G चिपसेट, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे फोन्स के अंदर देख रखा है। और ये जो चिपसेट है ना वो 5G कनेक्टिविटी के साथ तो आता ही है, बाकी परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी दे देता है, ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी है। सो परफॉर्मेंस को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा, सैमसंग ने काफी अच्छा काम किया है। मतलब एम सीरीज के अंदर एक्सोनोस चिपसेट से स्किप करके भाई क्वालकॉम चिपसेट को लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छी बात है, एक बिग थम्स अप देना चाहूंगा। जहां पर अगर रैम और स्टोरेज की बात करें तो 6GB रैम 8GB रैम ऑप्शन मिलेगा, जो कि LPDDR4X रैम होने वाली है। और दोनों ही के साथ में आपको 128GB स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि UFS 2.1 स्टोरेज टाइप रहने वाली है। जहां पर अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ में आने वाला है, जो कि सैमसंग के वन यूआई 3.1 पर रन करने वाला है। और अब तक एम सीरीज के अंदर सैमसंग जो एक्सोनोस की चिपसेट देती थी उससे अब आपको छुटकारा देखने को मिल जाने वाला है। बाकी गाइस आगे बढ़ते और बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले को लेकर, तो यहां पर आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हो, बिकॉज इस फोन के साथ में आपको 6.4 इंच की एक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। जहां पर गाइस अगर बात करें ना, तो स्टाइल में आपको वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल देखने को मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिलेगा, जो कि एम सीरीज के अंदर एक कमाल की बात हो जाएगी। लेकिन एक डाउनग्रेड देखने को मिलता है इस फोन के साथ में, मतलब एम सीरीज के अंदर भाई आपको अब तक फुल HD प्लस रिजोल्यूशन मिल जाती थी, बट इस फोन के साथ में आपको HD प्लस रिजोल्यूशन मिलता है, 720p रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस के ऊपर और अभी के टाइम पे बिल्कुल भी जस्टिफाई करता है। सो डिस्प्ले को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई यहां पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले से कलर, ओवरऑल जो सैचुरेशन देखने को मिलेगा, ब्राइटनेस देखने को मिलेगी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में, वो अमेजिंग है। बट हाँ, कहीं ना कहीं फुल HD प्लस रिजोल्यूशन होता तो एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता। HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में मैं बोलना चाहूंगा एक बहुत ही गलत काम कर दिया है सैमसंग ने। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले काफी कमाल की होगी, चाहे कलर्स की बात करें या फिर ओवरऑल ब्राइटनेस की बात करें, वो आपको अमेजिंग देखने को मिल जाएगी, उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलने वाली है। बट बार बार कहूंगा HD प्लस रिजोल्यूशन इस प्राइस के ऊपर अभी के टाइम पे बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। आपके कहते हो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। जहां पर अगर कैमरा की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M42 5G के साथ में आपको क्वाड रियर कैमरा मिलेगा, प्राइमरी लेंस होगा 48 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 और 5 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसिंग लेंस देखने को मिल जाते हैं। सो कुछ इस तरीके का कैमरा सेटअप रहने वाला है। हालांकि जब ये फोन इंडिया के अंदर लॉन्च होता है, कैमरा टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कैमरा क्वालिटी के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं 64 मेगापिक्सल वाला सेंसर नहीं दिया गया है, और ये जो डाउनग्रेड आपको देखने को मिल रहा है ना, वो सब 5G के चलते हो रहा है। मतलब 5G देने के चलते बाकी स्पेक्स में थोड़े बहुत आपको डाउनग्रेड देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जहां पर अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है, 5000mAh की बैटरी मिलती है। साथ में यहां पर आपको 15 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलता है। फोन की डिजाइन की बात करें तो बैक साइड से ऑलरेडी आप देख सकते हो यहां पर कमाल की डिजाइन देखने को मिल जाती है। एक पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक बैक ही दी गई है, बट हां यहां पर डिजाइन मुझे काफी कमाल का लगा। हालांकि प्लास्टिक बैक होने के बाद भी काफी शाइनी यानी ग्लॉसी बैक देखने को मिलता है, सो काफी ज्यादा कमाल का ये बैक साइड से देखने को मिल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा फोन थोड़ा सा हैवी जरूर हो जाएगा, मतलब 200 ग्राम्स के करीब आपको ये फोन देखने को मिलेगा अपने बैटरी के साथ में और भाई ओवरऑल इस स्पेक्स के साथ में। लेकिन फाइनली बात करते हैं इस फोन के प्राइसिंग को लेकर, इंडिया लॉन्च को लेकर, तो 28th ऑफ अप्रैल को आपको ये डिवाइस इंडिया के अंदर कंफर्मली ऑफिशियल देखने को मिल जाएगा, जहां पर इस फोन की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है 20 से लेकर 25 हज़ार। और भाई मैं कह दूं कि ये फोन ना 23 से 24 के बीच आपको कंफर्म देखने को मिल जाएगा अपने बेस वेरिएंट के साथ में। तो मुझे लगता है कि यहां पर सारी चीजें तो बहुत ही कमाल की है, स्नैपड्रैगन 750G, एक बड़ी बैटरी, एक बढ़िया डिस्प्ले, लेकिन डिस्प्ले के अंदर एक डाउनग्रेड कर दिया है सैमसंग ने, जो कि भाई HD प्लस रिजोल्यूशन, कम से कम फुल HD प्लस रिजोल्यूशन तो चाहिए ही था। बाकी आप क्या कहते हो नीचे कमेंट करके बता देना। तो बस यार
आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा कमाल के लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो से हेल्प लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी अमेजिंग कंटेंट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं एक नए और कमाल के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।